राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायकों की बैठक का मामला लगातार लंबा होता जा रहा है। पर्यवेक्षकों के नियुक्ति के बाद ये बैठक रविवार को होने वाली थी। इस हिसाब से पार्टी के विधायक शनिवार को जयपुर भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर पार्टी ने किसी कारण से बैठक को सोमवार के लिए टाल दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए थे कि अगली बैठक सोमवार को होगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक सोमवार को भी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक अब बैठक मंगलवार को या बुधवार को हो सकती है। बैठक नहीं होने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लखनऊ जाएगी, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। इस वजह से राजनाथ सिंह सोमवार को राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के कारण वहां व्यस्त रहेंगे। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को जयपुर लौट आई है। रविवार को जयपुर लौटने के बाद पार्टी के कई विधायकों ने वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। बता दें, इनमें ज्यादातर नाम वही थे जो वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। वसुंधरा से मिलने वाले विधायकों में बहादुर सिंह कौली, अजय सिंह किलक, अंशुमन सिंह भाटी, के विश्नोई, पुष्पेंद्र सिंह, बाबू सिंह राठौड़, श्रीचंद्र कृपलानी, कैलाश वर्मा शामिल थे। बता दें, वसुंधरा राजे 6 दिसंबर को दिल्ली गई थी और इस दौरान उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद राजे वापस रविवार को जयपुर लौट आई है। राजस्थान में पहले विधायक दल की बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अब विधायक दल की बैठक मंगलवार या बुधवार को हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े रविवार को जयपुर आएंगे और विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीनों पर्यवेक्षक मंगलवार सुबह तक जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हो सकता है मंगलवार को या बुधवार को जब भी विधायक दल की बैठक हो, तब इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।